नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदिशा जिले के सिरोंज में आजाद भारत के आदिवासी आज भी अपने अधिकारों का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत करैया हाट के ग्राम बरबटपुर में यदि विकास की बात की जाए तो यहां दूर दूर तक विकास नजर नहीं आता है। इस बस्ती में रहने वाले लगभग 40 आदिवासी परिवार पीने के पानी के लिए परेशान हैं। यही नहीं, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस आदिवासी बस्ती में ये महत्वपूर्ण योजना अभी पहुंच भी नहीं पाई है। बस्ती में निवास करने वाले आदिवासी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अधिकारी आए थे, आधार कार्ड समग्र आईडी कागज तैयार कर रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी ओर स्कूल के बारे में बोला तो कोई जवाब नहीं दिया। ये हालात यहाँ के हैं। रात हो या दिन कभी भी बिच्छू सर्प निकल आते हैं और अब तो उन्हीं के साथ रहने की आदत सी बन गई है, क्योंकि जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो लोग विकास की बात करते हैं वह बातों तक ही सीमित रहते हैं। हम तो विकास की बात अब एक मजाक लगने लगी है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बरबटपुरा में आदिवासी बच्चों को बैठने के लिए स्कूल भवन तक नहीं है। यही एक मुख्य कारण है कि यहाँ के आदिवासी बच्चे आज भी शिक्षा के मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। शिक्षा विभाग द्वारा औपचारिक के लिए एक खंडहर भवन में कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जहां बैठने की बात तो दूर है, इस खंडहर भवन में खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं है। इन हालातों में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का भी अधिकार नहीं है? यदि है तो स्कूल भवन क्यों नहीं है? पानी कितनी दूर से ला रहे हो? पानी जी मोटर चलते हैं तो पानी छींचत होते हैं जी गुजर ठाकरों की, बिन के पैसे पानी ला रहे हैं। दूसरे के खेतों में से पानी की व्यवस्था? हाँ, जहाँ तो एक नल है तो वो पानी बहुत कर रही है, चलते वो एक दो जन ही भर पाते हैं तई तई की, और पूरा गांव तो मोटरों को पानी ला रहे हैं भर भर के। आप कितने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हो? जहाँ अब यही समझ लो कि पर कितने साल हो गए, बड़े उरी परी थी भी जब तुम्हारे पे तुम्हारा पिताजी भी यहीं रहते थे क्या? हाँ यहीं रहते, सब मर गए। हमारे कितनी है? 65 साल की बीच है। मतलब दूसरी पीढ़ी चलती, तीसरी चौथी? हाँ। कुटीर की सुविधा नहीं है बिल्कुल यहाँ? सीसी वगैरह भी नहीं, सड़क भी नहीं बनी? कुछ नहीं बाहू, देख तो कछु बनो, कुछ नहीं बनो, ना सड़क है ना अखाड़ा। तो आपने इसको लेकर कहीं मतलब साधन प्रशासन में कोई शिकायत वगैरह की नहीं की कि हमें? अरे खूब से असल में कर रहे हैं भैया, खूब शिकायतें कर रहे हैं, कोई सुना है तो सही। लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट की व्यवस्था कमलनाथ बैठ का तो बेचारी ने पाना करवा दे जैसे लाइट को। अच्छा हाँ, अपन झूठ के रखा है बोले। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले? काशीराम वंशकार। कहाँ के रहने वाले? करई बरबटपुर। हाँ, बरबटपुर करैया हाट माजरा में आता है। क्या क्या समस्याएं हैं आप? जहाँ ये समस्या है सर कि हमारे लिए पानी के लिए एक हेडपम्प है, दूसरा हेडपम्प नहीं है, वो पानी की परेशानी है, और रहने के लिए व्यवस्था ख़राब है कि मान झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बिच्छू ततैया खाती हैं बारिश में, और पानी भर जाते हैं घरों में, कुटीरें नहीं हैं, पैसा नहीं डल रहा है। और सर हम 100 साल से जहाँ रह रहे हैं निवास कर रहे हैं, तो हमारे लिए स्कूल माने गिर रही है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो बच्चा ही पढ़ने से वंचित हैं, और हम पूरे लोग जिस शहरीय जाति के हैं, पूरी बस्ती शहरियों की है सर, कोई पढ़े लिखे नहीं है इस गांव में, और हमारे लिए सब गरीबों के लिए माने मकान और कुटीरें बनाई जाएँ ना, तो हमें का कहते हैं जहाँ खड़ाइयाँ हैं और ना मोड़ा मोड़ी पढ़ रहा स्कूल है हमारे पास, और ना पानी की बा है हमें, और ना कुटिंग है हमें। कुटी कुटी क्यों नहीं मिल पा रही हमें? नहीं मिल पा रही कुटिंग, ना आ रही हमें, और ना कोई दे रहा हमें कुटिंग, और नहीं से टपा रही हूँ मैं ले रहा हूँ। क्या नाम है दादा? हमारा साहब मिश्रीलाल नाम है। कौन सा गाँव है? ये बरबटपुर गांव है, वो करैया पंचायत में लगता है साहब। करैया पंचायत में वोट डरते हैं हमारे, और ना हमारे गांव में ये समस्या है साहब, ना पानी की व्यवस्था है, ना स्कूल बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हमारे, और हमारे गांव में सीसी भी नहीं है, हमारे गांव में कोई कुटी व्यवस्था नहीं है, हमारी ये पूरी समाज जितने लोग हैं सब बेरान हैं। हाँ, और हमको साहब कुटी दी जाए और सब लोग बेरान हैं, टपरियाँ देख लो हमारी जहालत हो रही है, और हमको सीसी भी होए
और कुटी भी मिलना चाहिए। सरकार से आप क्या कहना? कोई सरकार से जी हमारा निवेदन है साहब कि हमको कुटी दई जाए और हमको रह बेखो जगह कमी मेहनत मजूरी करके आ जाए तो जहाँ टाइम से हम खा भी नहीं पा रहे जहाँ रह भी नहीं पा रहे। कितने वर्षों से रह रहे हैं? अरे हम जहाँ रह रहे हैं साहब हमारी जब उम्र हो गई हमारे बाप दादे कम से कम जहाँ क्या भी का मतलब जो है 50-60 साल तो हमको ही हैं ना। सीता भाई कौन सा गांव है जो आप यहाँ पे? बरवट पर। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम तो बहुत सालों से हमारे सास ससुर के सास ससुर मर गए 3-4 पीढ़ी हो गई जबकि हम बस रहे हैं जब को है वो जो गांव अब एक नहीं है जो गांव। हाँ बहुत सालों को गांव है कछु समस्या नहीं है। हम तो ऐसे ही डरे हैंगे ना हम पर कछु है ना कछु ना कुटी हैंगी ना कछु ही ना घर द्वार है कछु नन्ना हम पे तो हम तो ऐसे ही रह रहे हैं दूर से पानी ला रहे हैं ना हमें पानी की व्यवस्था है कछु की व्यवस्था नहीं है। कितने दूर से लाते हो पानी? हम बहुत दूर से पानी लाते हैंगे। दूसरे खेतों पे लाते हो क्या? हाँ हम चाह कोई के गड्ढों पे से भर लाते हैं पानी। जैसे लाइट वगैरह नहीं होती उस टाइम क्या परेशानी आती है? हाँ प्यास मरत रेत है। राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है राशन? हाँ राशन। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।